नशा मुक्त ऊना अभियान का आगाज मंगलवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र से हुआ। हरोली से कांगड़ तक ब्रिक्स वॉक के बाद कांगड़ मैदान में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने नशे के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर का भी शुभारंभ किया। वहीं स्थानीय सांस्कृतिक दलों के साथ प्रसिद्ध पंजाबी गायक मास्टर सलीम और कंवर ग्रेवाल ने भी एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर खूब समा बांधा। नशा मुक्त हिमाचल, उसकी पहल यहाँ से हरोली से हमने की है। इसको जन आंदोलन बनाएंगे, घर घर तक संदेश पहुँचाएंगे और यहाँ तो पहुँच ही गया। आपने देखा जितनी इन्वॉल्वमेंट पब्लिक की हो गई है, किलोमीटर लंबी लाइनें जो है आपने देखी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की। यहाँ आपने देखा कि कांगड़ का ग्राउंड जो है किस ढंग से लोग आए हैं, तो सबको एक संदेश चला गया है कि हमें नशा मुक्त हिमाचल बनाना और किसी की मदद नहीं करनी है, को जो भी सौदागर है। और यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद नशे पे प्रहार जो है और ताकत से होगा, पहले से ज़्यादा ताकत से प्रहार होगा। नशा वालों को जो है, जो सौदागर हैं, उनको हम उखाड़ फेंकेंगे जन सहयोग से। इसलिए जनता को हमने आह्वान किया, जनता ने हमारा साथ दिया। और जो अभी भी जो है जो दुकानें चला रहे हैं या जो इस ढंग से कैरियर्स बने हुए हैं, अगर अब ना समझे तो फिर उनका उनकी जगह फिर सलाखों के पीछे ही होगी। जागरूकता अभियान के साथ क्या क्या नए कानून बनाने पर भी नहीं, हमने कहा है, हमने विधानसभा में भी रिकमेंडेशन भेजी है। एक तो हम चाहते हैं कि नशा चाहे छोटी क्वांटिटी का हो चाहे बड़ी क्वांटिटी, उसमें जो है जमानत नहीं होनी चाहिए।